बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं रेशमी चिकन की रेसिपी बनाने लगी हूँ आपके सामने। तो ये मेरे पास है चिकन आधा किलो और एक पाव दही है। तो इसके अंदर अब हमने इसको, दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये जो मैंने चिकन है इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके अंदर डाल देना है, दही के अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 1/2 चम्मच हमने डालना है क्योंकि बाद में हम मसाले में ये चीज़ें ऐड करेंगे सारी। और ये है मेरे पास कसूरी मेथी, ये इसलिए मैं पहले डाल ली हूँ कि इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी मज़े वाली है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, यह आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा और मोहब्बत मिलती है। ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखा था और मैंने इधर ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। इसके अंदर डालूंगी मैं प्याज और टमाटर। और आप कहेंगे कि पता नहीं इतने मोटे मोटे क्यों काटे हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको मोटा क्यों काटा है। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, इसका टेस्ट बड़ा जायकेदार है। मैंने इससे पहले भी बना के रखी हुई है, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इसको हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। टमाटर और प्याज को इकट्ठा करना है फ्राई, और फिर मैं बाद में बताती हूँ कि इसको क्या करना है। और इसको मैंने अब 2-3 मिनट फ्राई की है। इसको अब मैंने निकाल देना है, इसमें से निकाल कर इसको मैंने फ्राई ग्राइंड कर देना है। ये प्याज और जो टमाटर है मैंने इसको फ्राई किया अच्छी तरह से और इसको अब हमने ग्राइंड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऑयल हमने फ्लेम के ऊपर रख लिया है दोबारा गर्म होने के लिए। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे ये तेज पत्ता, इसको मैंने धो के डाला है, और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और लौंग, इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट बाद जो हमने अपने प्याज और टमाटर ग्राइंड किए थे उनको पहले फ्राई किया था और बाद में इसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से। इसको 1-2 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाद में मैं ऐड करूँगी। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई किया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे मिर्च, लाल मिर्च का पेस्ट, क्योंकि ये मैंने पहले भी डाला है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है। ये जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था तो उसके अंदर ये मैंने मिर्चियाँ डाली थी, इसलिए मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून डालना है। इसको अच्छी तरह से भून लेना है और जाएगा हल्दी पाउडर। इसको 1-2 मिनट हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी ग्रेवी अच्छी बने तो सालन का जायका ज़बरदस्त आता है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सबसे एंड में मैं एक सीक्रेट मसाला है वो डालूंगी, वो उसका ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप सोचेंगे कि शायद छोटी इलायचियाँ, वो नहीं है, उसके अलावा एक और चीज़ है वो इसके अंदर मैं डालूंगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और ज़ीरा पाउडर, इसको मैंने 4-5 मिनट तक पकाना है, फिर हम दोबारा इसको चेक करते हैं।
रहीम, तो हमने 4 से 5 मिनट के लिए अपने रेशमी चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है। और ये देखें हमारा जो घी है इसका साइडों पे आ रहा है, और इसके अंदर अब हमने डालना है लेमन निचोड़ना है, एक लेमन निचोड़ेंगे और नमक हसबे जायका बाद में मैंने डालना है। और जो हमारा सीक्रेट मसाला था वो जी है सौंफ, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है, इसमें ज़बरदस्त जायका इसका आता है। और अब हमने इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह फ्राई करना है, और इसके ऊपर दाल डाल देना साबुत धनिया, हरी मिर्चें, और अब डालेंगे गरम मसाला, फिर इसको 2 मिनट के लिए हम दम पे दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो रेशमी चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने गार्निश कर ली है, बारीक लंबी लंबी अदरक को काट कर ऊपर डाली है, और सब्ज़ मिर्ची, हरा धनिया। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ ही मारिया बासी को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।